तो मोर्चे की चढ़ती कला वास्ते असी अज अरदास करना है अगे सतगुरु गाड़ी अरदास करांगे भी मोदी सरकार नूं अकल बख्शे वो किसानां मजदूरां दीआं मंगां मन्ने भी जदों तक मंगां पूरियां नहीं हो जांदियां उदों तक अंदोलन जारी रहेगा। एक मंत्री सरहद ते भी कानून हुंदा तारां हुंदियां कंधां नहीं हुंदियां तो इत्थे तां कंधां कड्डियां होईआं वा। जिन्हां जिन्हां ने सत्ता ते राज कीता किसे ने भी किसान मजदूर की सुनी नहीं हैगी जो पंजाब की विधानसभा च आ रहा। गोलियां वो चला रहे हंजी गोंद वो चला रहे बुलेट वो चला रहे नहाते लोगों ने जख्मी होना जी। देखो गुरु रामदास के घर पहुँचे अज मोर्चा देते शंभू ते खनौरी में चलते हैं बाईवां देने हैं तो मोर्चे की चढ़ती कला वास्ते असी अज अरदास करना है अगे सतगुरु गाड़ी अरदास करांगे भी मोदी सरकार नूं अकल बख्शे वो किसानां मजदूरां दीआं मंगां मन्ने और नहीं तो फिर किसानां मजदूरां नूं बल बख्शे भी जदों तक मंगां पूरियां नहीं हो जांदियां उदों तक अंदोलन जारी रहेगा। जिदां पूरी दुनिया के देश भर के लोगों वालों सानूं जिहड़ा वा ये सपोर्ट मिल रही सी धन्नवाद करदे हां। बहुत सारे गुरु घरां दे विच जिहड़ा वा मोर्चे की चढ़ती कला की अरदास हो रही आ सो सारिआं दा धन्नवाद। असीं इह वी कहना चाहवांगे भी हर ऐतवार दे ऐतवार जिहड़े मुलाजम ने आम शहरी ने दुकानदार ने वह वध तों वध गिनती दे विच जिहड़ा वा वह शंभू जां खनौरी मोर्चे दे विच हाजरी जरूर लाउण इह साडी जरूर उहनां नूं होऊगी। असीं गुरु रामदास दे घर अज मोर्चे की चढ़ती कला की अरदास करना है। दिल्ली जाण वास्ते किसानां नूं जिहड़ा रोकिया जा रहा जी एक देखिया जा रहा मतलब पंजाब दे जिहड़े हालात बने जी वह एकदम बैरीगेट कीते मतलब बॉर्डर दे टाइप लग रहा जिदां कोई जो हालात पहलां वी वेखण नूं मिले आ जिस तरीके दे नाल सरकार दा तशद्दुद किसानां दे उत्ते हो रहा। देखो हरेक नागरिक नूं साडे नूं अधिकार आ वी असीं देश दी राजधानी विच जाके प्रदर्शन कर सकीए। यह ऐं लगता जिवें कमांतरी सरहद हुंदी आ कमांतरी सरहद ते भी कानून हुंदा तारां हुंदियां कंधां नहीं हुंदियां तो इत्थे तां कंधां कड्डियां होईआं वा। पूरी तरह पंजाब दा बॉर्डर सील आ हरियाणा दे विच 75,000 अर्ध सैनिक फोर्स लगे दिल्ली नूं भी बंद किया गया तो जिन्नी साडी आर्थिकता दा नुकसान होया साडे व्यापारी दा होया हरियाणे दा होया तो केंद्र सरकार को इस गल दी भरपाई होनी चाहीदी आ। मैनूं लगदा मानजुक सुप्रीम कोर्ट नूं सोकोल नोटिस लै के इहदी कारवाई करनी चाहीदी आ। लोकसभा दे चुनाव वी नेड़े आ रहे ने जी इस दे बारे तुहाडा की कहना? देखो साडा चुनावां नाल कोई रौला नहीं हैगा केंद्र साडे नाल अज बहि के साडीआं मंगां मन लवे तां वी ठीक आ नहीं होगा नवी सरकार आऊगी वो को मनवा लेंगे अंदोलन हर हाल के जारी रखांगे। जदों देश ने नवा प्रधानमंत्री नवी सरकार चुननी आ उहदे विच किसान मजदूर का एजेंडा भी सारे देश में जाना चाहिए असी आपका एजेंडा तय करवावांगे आने वाली सरकार को। इस मुद्दे को लेकर पंजाब की कोई पोलीटिकल पार्टी भी इसे समर्थन कर रही है जी? देखो पोलीटिकल पार्टियां सारिया एक जी होंदिया वा जिन्हां जिन्हां ने सत्ता ते राज कीता किसे ने भी किसान मजदूर की सुनी नहीं हैगी जो पंजाब की विधानसभा च आ रहा यह भी भाजपा का हाथ पटाउण वाली गल आ कि हुण जिहड़ियां चैनलां दीआं डिबेटां वा ना वो इस गल ते चलण के इहदा सुभाअ किहो जिहा किहो जिहा नहीं हैगा लोकां दे मुद्दे थोड़े आ रोज़ जिहड़ियां किसानां मजदूरां दे डिबेटां हुंदियां नूं चेंज कर दित्ता हैगा। ममता बनर्जी वाहिद मुख्यमंत्री आ जिहदी टैरिटरी 'च ईडी भी नहीं जा सकदी जे किसी मुख्यमंत्री दा मन करदा होवे साडी टैरिटरी नूं इस्तेमाल नहीं कीता जा सकदा। जो इस वेले सुनील जाखड़ जी बोल रहे आ कह रहे आ उह जो केंद्र ने अंदर प्रस्ताव रख्या सीगा ठीक है उही बोली बोल रहे कॉन्टैक्ट बेस खेती और सुनील जाखड़ जी जिहड़े लहू ना केंद्र सरकार नहाती आ लहू के धब्बे धोना चाहुंदे आ धुपने नहीं हैगे एड्डी छेती। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਹੰਜੀ ਗੋਂਦ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਬੁਲਟ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਿਹੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਤੱਕਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣ ਦੇਗੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮੁਨਾਸਬ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੰਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।